चुका है फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ विद फुल एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो भाई लोग, आज हम खेल रहे हैं स्क्वाड मैच। स्क्वाड मैच यानी कि मैं अपने स्क्वाड मेंबर्स के साथ खेल रहा हूँ। तो मैं पहले कुछ दिन अभी बहुत सोलर से स्क्वाड खेला था, तो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा अभी स्क्वाड के साथ भी खेलते हैं, क्योंकि मेरा सोलर से स्क्वाड में थोड़ा सा केडी बेकार जा रहा था। तो मैंने सोचा अब स्क्वाड गेम प्ले भी थोड़ा चालू करते हैं। तो ये वही गेम है, मैं ऐसे ही खेल रहा था और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो हम लोग खेल रहे थे, यहाँ पे काफ़ी बंदे आ गए थे, तो फिर हम लोग थोड़ा अच्छी से खेल रहे थे। और हम मेरे को लॉन्ग रेंज की गन मिली थी, वो भी लॉन्ग रेंज की। कौन सी गन मिली? M14 SKS, बहुत ही तगड़ी गन है। पर दिक्कत ये है, दोनों भाई टैप करके चलती है, मतलब कि M14 नहीं चलती है, पर दोनों वैसी ही गन है। तो अभी हमारे पास लूट तो बिल्कुल बेकार है, तो इसको पूरा मारेंगे, इसके बाद से लूट मिलेगा। तो इसको पूरा मार दिया हम लोगों ने, उसके बाद एक बंदा हमारा नॉक हो गया और यहाँ से पड़ी इसको 95 का एक डैमेज। भाई बहुत ही तगड़ा, ओ भाई एकदम ओपी हेडशॉट। और हमारे तीन बंदे नॉक हो चुके हैं, मैं अकेला ही बचा हूँ और मैंने रिवाइव दे दिया। उसके बाद थोड़ा कवर में आ जाएंगे, मेरे पास ग्लू तो थी नहीं। एक और नॉक हो गया, अब एक ही बंदा बचा है इनकी स्क्वाड का। ओ भाई मेरा एक और बंदा नॉक, उसके बाद अब जल्दी इसको मारेंगे। हाँ चलो इसको मार दिया, अब रिवाइव दे देते हैं। एक बंदा हमारा नॉक है तो इसको रिवाइव दे देते हैं सबसे पहले तो अपन लोग, वरना इसका काम हो जाता, मर जाता। तो अभी हम लोग यहाँ पे लूट करके आ चुके हैं, यानी कि पूरा लूट कर लिया, जितने लोगों को भी मारा। तो अभी फुट स्टेप की साउंड आई, यानी कि ऊपर बंदा, और ये भी नॉक हो गया। मेरे को साउंड आ गई थी फुट स्टेप की कि यहाँ पे बंदा है, तो अभी इसको हमने नॉक कर दिया। अभी इसका किल ले लेंगे, MP5 मैंने ले ली, क्योंकि MP40 तो मिली नहीं अपने को, और P90 से अच्छी तो अपने को MP5 लगती है। और उसके बाद आज हम चलाएंगे डबल बैरल, जो गन मैं कभी नहीं चलाता हूँ आज मैं वो चला रहा हूँ, यानी कि M14। देखो स्कार मैंने छोड़ दी, तो स्कार नहीं लेंगे आज, आज हम चलाएंगे M14 और दो गोली वाली शॉट गन। तो ये दोनों गन भी वैसे बहुत OP है, और ये ज़्यादा मैंने स्किप नहीं किया वीडियो, और मतलब कि फास्ट भी नहीं किए, क्योंकि बहुत बंदे मेरे को बोलते हैं तू वीडियो फास्ट कर देता है तो अच्छी से समझ नहीं आता है और अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने बहुत कम इसमें स्किप किया और मैंने वीडियो फास्ट भी नहीं किया। तो अभी इसको हेडशॉट पड़ा एकदम OP वाला, मतलब वन टैप का ट्राई था, पर वन टैप तो नहीं कहेंगे क्योंकि दो गोली मारी। उसके बाद यहाँ पे एक बंदा है, मैं सोचा इसको ले लूँगा, पर इसके पास भी M14 थी, तो मेरे कवर में जा ही रहा था। ये अच्छा हुआ कि मैं बच गया, या वरना यहाँ पर मैं मर जाता। उसके बाद मेरे को रिवाइव मिला, फिर भी मैं उसको मारने के चक्कर में था। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं पहले हीलिंग कर लेते हैं अपन लोग, क्योंकि हीलिंग करना सबसे ज़्यादा अपने सही रहेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे मेडकिट मार रहा हूँ, और अभी एलोक ऑन नहीं किया मैंने। मैं सोचा अभी इसको रखते हैं, क्योंकि अभी फाइट हो सकती थी हमारी, ये तीन बंदे थे। तो यहाँ पे एक बंदा आया और इसको डैमेज देंगे, और 54-90 का मतलब डैमेज गया, 90 का डैमेज है, उसको पूरा मारेंगे। अच्छा नॉक हो गया, ये नॉक हो चुका है अभी। तो अभी इसको पूरा मार देते हैं, तो क्योंकि रिवाइव दे सकते हैं इसको। तो अभी ये बंदे को हम लोग पहले निपटाते हैं, ये पेड़ वाले को, एक पेड़ पे एक टावर पे, तो थोड़ा सही से इनको मारना होगा, क्योंकि एक को मारो तो एक डैमेज दे रहा है। तो अभी पहले यार ये बहुत तगड़ा वाला डैमेज दे रहा है, हेल्थ लगा लेते हैं, उसके बाद इनको मारेंगे बाद में। कुछ इनको अलग तरीके से मारना होगा, क्योंकि M14 से डायरेक्ट तो लगते नहीं यार मेरे से। तो इसको इस बार मैंने बहुत तगड़ा डैमेज दे दिया है, तो अब वो थोड़ी देर तक तो नहीं निकलेगा। और अपन लोग भी हेल्थ लगा लेते हैं, अपनी भी हेल्थ बहुत कम है, 150 की है। तो अभी इसको पीछे से घूम के मारेंगे, यहाँ से तो ये मरने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा, वो डैमेज देगा हम डैमेज देंगे और फिर कुछ होगा नहीं। तो यहाँ वेस्ट अपग्रेड कर लिया मैंने, उसके बाद यहाँ पीछे से एकदम रश करेंगे, एकदम पीछे से। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो मेरा टीममेट जो है वो उधर से डैमेज देगा, अगर वो उधर तरफ आएगा मैं इधर से। तो ये लोग को हमने घेर लिया है, तो अच्छा रहेगा, अब इसको मारेंगे एकदम ओपी वाला। तो पहले मैं कवर में इसलिए आया क्योंकि मेरे को टावर से पड़ सकती थी, टावर पे एक बंदा था, इसलिए मैंने कवर में आके इसको मारा। और उसके बाद एक बंदा इसकी टीम का बचा था, और वो देखो भाग रहा है, इसको एक गोली पड़ी, ख़त्म। ये बंदों के पास ज़्यादा अच्छी लूट नहीं थी, क्योंकि ये लोग फैक्ट्री के टॉप पर गए होंगे और टॉप से कूदे होंगे, तो इनके पास लूट अच्छी नहीं थी, और फाइट लेने आ गए हमसे।
तो हमारे 8 किल हो चुके हैं, 20 बंदे अभी भी अलाइव है। और देखो MP40 भी मैंने नहीं ली और स्कारियल भी नहीं ली, नहीं ले रहा था मैं सोचा आज यही गन चलाते हैं M14, क्योंकि डैमेज अच्छा देती है पर हेडशॉट रेट की बात लगा देती है, क्योंकि हेडशॉट इससे बहुत कम लगते हैं, मतलब कि लगभग नहीं लगते हैं मेरे से तो। और यहाँ फैक्ट्री पे पूरा ढूंढा, फैक्ट्री पे कोई भी नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री वाले बंदे तो हमारे ऊपर रश करने आ गए थे ना क्लॉक टावर पे, इसलिए यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था। अभी हम लोग सीधा आ गए पोचिनॉक पे, यहाँ तो बंदे होने ही थे, क्योंकि मतलब यहाँ तो बंदे रहते ही, क्योंकि यहाँ बहुत कम बंदे ही कूदते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्क्वाड तो हमेशा रहती ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं पीक पे ही बंदे होंगे यहाँ तो, अभी मेरे को नहीं। अच्छा यहाँ पे एक बंदा, इसको 137 का हेडशॉट, पर हेडशॉट से किल नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद बॉडी डैमेज है, तो इसका पूरा किल मैंने ले लिया। अभी अपने हो चुके हैं 9 किल। और ये देखो नया तरीके से अब मैं लूटता हूँ, अप डाउन करके लूटता हूँ, मूवमेंट भी होता है, अप डाउन भी होता है और अच्छी से लूट भी होता है, ताकि कोई हेड ना ले पाए। उसके बाद यहाँ पे वो सीमेंटेड के छत पे बंदा था, अब उसको कैसे मारे ये सोच रहा था मैं, क्योंकि इसको मारने के लिए मेरे को पीछे से चढ़ना पड़ेगा और मैं चढ़ूंगा तो ये मेरे को मार देगा। तो मेरे को एक आइडिया है, मैं सोचा कि अगर यहाँ से ही ऊपर चले जाए तो, यानी कि ये आपने देखा होगा हैक, तो मेरे को यही दिमाग में आया और मैं ऊपर आ भी गया और ऊपर आके इसको मारने का कोशिश, नहीं डैमेज गया, नहीं गया। फिर उसके बाद इसको 6-7 गोलियाँ लगी और ये मर गया। उसके बाद मैंने उसकी लूट कर ली थी, ठीक है ना, मतलब कि लूट करने वाला सीन मैं नहीं दिखाता, क्योंकि लूट करने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे और भी बंदे थे, मैंने कहा ना पोचिनॉक पे बंदे रहते ही है, क्योंकि ये कैंपिंग के लिए अच्छी जगह है, इसलिए बंदे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितने बंदे, पूरी स्क्वाड है या फिर 2-3 बंदे ही हैं। चलो यहाँ पे 3 बंदे, इन तीनों को मारेंगे, नहीं शायद से 4 है, हाँ फुल स्क्वाड है भाई लोग, फुल स्क्वाड है, मतलब कि 4 बंदे हैं वहाँ पे, एक तो उनका ख़त्म हो गया, अब 3 ही बंदे बचे हैं। तो अभी इन पे रश कर देते हैं, इनके पास भी शायद M14 है भाई, बहुत तगड़ा डैमेज दे दिया, 10-20 के HP पे ही छोड़ा, तो मेरा नेट तो यहाँ से जाएगा नहीं। तो मैंने सोचा इनके ऊपर रश करते हैं राइट से, तो मैं यहाँ से जा ही रहा था और फिर एक बंदा खुद ही रश कर दिया। अभी देखना ये बंदा खुद ही आ गया, पता नहीं क्या सोच के इसको हेड लगा, इसको पूरा किल लेने का मैंने सोचा, पर ग्लू डाल लिया, उसके बाद मैं रश कर दिया और इनको डैमेज नहीं गया। तो मैं सोचा यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि जोन भी आ रहा था और फाइट तो हम लोग बाद में भी ले सकते, तो मैं बहुत कम केसेस में ऐसे भाग जाता हूँ, वरना मैं मारता ही हूँ, क्योंकि मेरे अच्छे किल हो गए थे, तो मैं सोचा ये अच्छा बन सकता है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ से निकल गया, क्योंकि मेरे को फाइट लेने का, मेरे को तो पता है मैं मर जाता, क्योंकि तीनों बंदे थे साथ में और मेरे पास ग्लू वॉल भी नहीं थी, इसलिए मैं पीछे आ गया। और यहाँ पे फिर मेरे को बंदे दिखे, एक देखो 150 का दे दिया मेरे को AWM से, AWM है बंदे के पास, तो मेरे को पहले लगा कार 98 है, पर उसके पास AWM थी, तो मैं सोचा पहले जोन में भी जाना है, तो यहाँ पे मैंने 2 मेड किट मारी, क्योंकि मैं सोचा पहले कि किधर से आऊँ, फिर मैंने राइट से निकल लिया, एकदम पीछे से जा रहा था ताकि वो लोग मेरे को मार ना पाए। ठीक है, तो वहाँ ये देखो एक बंदा, इसको नॉक कर दिया, देखा इससे पता है होता क्या है, पहली या दूसरी गोली हेड पे जाती है, उसके बाद बॉडी डैमेज, यही तो ख़राब बात है। तो फिर भी अच्छी गन है, 12 किल गया, अपना कोई भी बंदा नहीं बचा, मैं अकेले ही बचा, और देखते हैं अभी क्या होता है। 12 किल गया और 12 बंदे अलाइव है भाई साहब, और यहाँ पे एक और बंदा है, ये भी ख़त्म, 13 किल गए अपने। और अभी इनका लूट कर लेते हैं, तो मैं लूट करके आप सीधा आ गया हूँ यहाँ पे, क्या कहते हैं ये ड्रॉप के पास, मेरे को लगा ड्रॉप है पर नहीं था, और यहाँ पे मेरे को बंदा लेटता है तो आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आई थी, तो मेरे को लगा यहाँ एनिमी है, तो उसको पूरा मार दिया। उसके बाद बहुत देर बाद भाई लोग मेरे को मतलब कि दिखे बंदे कि यहाँ फाइट हो रही है, क्योंकि मेरे को बहुत देर तक तो मिले ही नहीं एनिमी, तो मेरे को लगा एल शेप पे बंदा है, तो मैंने नेड किया। उसके बाद यहाँ से है ना जोकर और सीज जोकर हो गया, यानी कि मैं भी जोकर लेके था और वो भी जोकर लेके था, तो पहले तो मैंने इसको सोचा मारूँ, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं ऐसे खुले में रहूँगा तो हेड ले लेगा, तो उसके बाद मैंने सोचा इसको थोड़ा आराम से मारना होगा, क्योंकि स्कोप तो मैं खोल नहीं सकता ऐसी जगह पे और M14 से ऐसे मार नहीं सकते, इसलिए। उसके बाद पीछे से एक स्क्वाड आ गई थी, आवाज़ आ रही थी उनका, वो लोग नेड कर रहे थे वो एल शेप वाले बंदे पे, तो मैं थोड़ा सा कवर में आके पीछे की तरफ निकल गया, मैं बोला पीछे जोन में चल जाता हूँ, फिर ये लोग जब आएंगे मैं इनको मारूँगा। तो फिर मेरे को और फिर से VSS की साउंड आई, तो यहाँ पे एक बंदा और इसको वन टैप एकदम OP वाला पड़ा, और मेरी HP बहुत कम है, तो अभी मेरे को मार दिया यार, बहुत ज़्यादा किल हो गए थे, क्या पता मैं इनको मार देता अगर मैं बच जाता तो। और यहाँ पे ये 3 है, वो अकेला बंदा बचा है, वो बेचारा क्या कर पाएगा अब
तो वो भी मर गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट कर देना आपको न्यू वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।